गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश ग्रामर क्लास। बेटा, लास्ट ग्रामर क्लास में हमने चैप्टर 2 नेमिंग वर्ड्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स पढ़े थे कि सिंगुलर से हमको प्लूरल बनाने के लिए किसकी प्लेस पर किसको ऐड करना होता है। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट रूल नंबर 4। हमने 1, 2, 3 रूल्स पढ़ लिए थे, आज हम नंबर 4 का जो रूल्स है वो पढ़ेंगे। बाई चेंजिंग एफ और एफ ही टू वी ई एस, एफ और एफ ई को हम किससे रिप्लेस करेंगे? वी ई एस से। ओके, तो फर्स्ट है आपका सी ए एल एफ काफ, तो यहाँ पर आपको एफ दिख रहा है, इस एफ की प्लेस पर आपको वी ई एस लगाना है। क्या लगाना है? वी ई एस। अगर एफ आएगा तो भी आपको एफ को हटा के वी ई एस लगाना है, और अगर एफ ई आ रहा है लास्ट में के एन आई एफ ई तो भी आपको वहाँ पर वी ई एस लगाना है। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद करना पड़ेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि रूल्स आपको लर्न करना होंगे। काफ का काफ्स हो जाएगा, नाइफ का नाइव्स, लीफ का लीव्स, है ना? आपको पता है अगर एक पत्ती है तो हम लीफ बोलते हैं, और एक से ज़्यादा है तो हम लीव्स बोलते हैं। लोफ, लोफ मतलब होता है एक टुकड़ा ब्रेड का, लोफ का लोव्स हो जाएगा। शेल्फ, सेल्फ्स, थीफ, थीव्स, वाइफ, वाइफ्स, वुल्फ, वुल्फ, है ना? एफ और एफ ई को हटा के आपको वी ई एस से उसको रिप्लेस करना है, उसको चेंज करना है। अभी कुछ आपके नंबर 5 के रूल में दिया इरेगुलर प्लूरल, इनके कोई रूल्स नहीं होते, इनको आपको लर्न ही करना है। ये एज इट इज़ रहते हैं, इसमें आपको कोई चेंजेस, जो चेंजेस है वो ऐसे नहीं होंगे कि आपको वाई को हटा के आई ई एस लगाना है या एफ को हटा के वी ई एस लगाना, नहीं। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, मैन, मैन का मैन होता है बट एम ए एन की प्लेस पर आ जाता है एम ई एन, ए की जगह आपको ई लगाना है। ठीक है, ऐसे ही वूमेन में वूमन, यहाँ पर हम मैन बोलेंगे और ये मैन हो गया वूमन, वूमेन, यहाँ पे भी ए की प्लेस पर ई आएगा। ओके, तो ये आपको एज इट इज़ लर्न करना होगा। माउस, माइस, एक चूहा है तो माउस और एक से ज़्यादा है तो माइस। फूट, फूट का होगा फीट। गूस, गूस का होगा गीज। टूथ, टूथ का होगा टेथ। तो यहाँ पर आपके सिंगुलर और प्लूरल्स के जो रूल है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ अब आपको नेक्स्ट पेज पर एक्सरसाइज दी है जो हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है बेटा पेज नंबर 13 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ, ठीक है, आपको प्लूरल फॉर्म्स लिखना है। टॉय, टॉय का क्या होगा? जैसे यहाँ वाई लगा है ना, तो वाई को हटा के हम क्या लिखेंगे? टॉय का तो वैसे टॉयज ही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर भाई के पहले क्या आ रहा है? वोवेल आ रहा है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आप सिर्फ इसमें एस लगाएंगे। सीटी, सीटी में देखो भाई के पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है ना, टी आ रहा है, तो फिर हम वाई को हटा के यहाँ पर लगा देंगे आई ई एस, तो सीटी का क्या हो जाएगा? सीटीज। तो ये आप अपनी ग्रामर की नोटबुक में करेंगे। ग्रामर की नोटबुक हमने कैसे बनाई है? जो इंग्लिश कम्युनिकेशन की नोटबुक है उसी के पीछे हमने ग्रामर का पार्ट बनाया है, उसी में आपको चैप्टर का नेम डाल देना। ओके, डेट और डे डालेंगे आप, ये क्वेश्चन जो आप करेंगे वो क्वेश्चन लिखना, देन टॉय लिखना वन नंबर पे, फिर उसका आंसर लिखना टॉय, सिटी लिखना सिटी का सिटीज, फूट का अभी पढ़ा हमने फीट, लीफ, लीफ में आप एफ हटा के वी ई एस लगाएंगे लीव्स हो जाएगा, लेडी, लेडी का लेडीज हो जाएगा, वाई हटेगा आई ई एस लगेगा, टेबल का नॉर्मल क्या होगा? टेबल्स होगा, सिर्फ एस लगेगा। ठीक है, तो ये आपको जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये अपनी ग्रामर की नोटबुक में कंप्लीट करना है। ये सारे आपको इधर से मिल जाएंगे, अभी जो हमने बॉक्स पढ़े हैं, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसी में से। अगर फिर भी नहीं आता है तो पीछे आपको इसमें आंसर की दी है, आप वहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका राइट द सिंगुलर फॉर्म्स। अब आपको यहाँ पर प्लूरल दिए हुए हैं ऑलरेडी, आपको इसका सिंगुलर बनाना है, तो सिंगुलर बनाना तो बहुत ईजी है। जैसे फ्लाइज, यहाँ पर लास्ट में देख लो आप आई ई एस लगा, तो आई ई एस हम किसकी प्लेस पर लगाते हैं? वाई की, तो एफ एल वाई फ्लाइज का आंसर क्या हो जाएगा? फ्लाई। मैन, मैन का होगा एम ए एन। माइस, माइस का हो जाएगा माउस, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, माउस मतलब एक चूहा। डॉल्स, डॉल्स मतलब बहुत सारी डॉल्स, डॉल्स का होगा डॉल, एक डॉल। तो ऐसे ही आपको ये सारे क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, आपको यहाँ पर ब्रश, योर, डैश, डेली, और यहाँ पर आपको वर्ड्स भी दिया है, लेकिन आपको ये वर्ड्स नहीं लिखना है, आपको जो वर्ड दिया है उसका आपको प्लूरल लिखना है।
यहाँ पर दिया आपको ब्रश योर डेस्क डेली, तो टूथ दिया है, तो टूथ का आप क्या लिखेंगे, टीथ, क्योंकि हम टीथ दांतों को ब्रश करते, कि एक दांत को ब्रश नहीं करते, हम सारे दांतों को ब्रश करते हैं, यहाँ पर आपको उसका प्लूरल लिखना है, तो टूथ का आप क्या लिखेंगे, टीथ। ओके, ऐसे ही आपको आई हैव अ बुक ऑफ स्टोरी, तो आई हैव अ बुक ऑफ स्टोरीज लिखेंगे, स्टोरी का प्लूरल क्या होता है, स्टोरीज, तो स्टोरीज लिखना। माई डैश आर वेरी स्ट्रॉन्ग, माई ऑक्स, तो ऑक्स का आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑक्सन, माय ऑक्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे ही आपको जितने भी ये ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं इनके आपको फिलअप्स में क्या भरना है, प्लूरल भरना है। ये ऐसे कैसे नहीं लिखना आपको, आप इनका प्लूरल ढूंढेंगे और प्लूरल लिखेंगे। ओके, तो ये आप बुक में ही कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको प्लेस दी हुई है लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पर जो अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ वो ही आप अपनी कॉपी में करेंगे। नाउ कम ऑन पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में आप क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे, चेंज द सिंगुलर्स इनटू द प्लूरल्स। मतलब यहाँ सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में आपको जो भी सिंगुलर वर्ड्स दिखेंगे उसको आपको प्लूरल्स बनाना है, जो भी वर्ड्स आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे अ डॉग इज एन एनिमल, तो हमको वर्ड्स क्या दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, एनिमल, तो डॉग्स आर एनिमल्स, क्या हो जाएगा, डॉग का डॉग्स हो जाएगा। अब बहुत सारे डॉग्स है तो इस की प्लेस पर आप क्या लगा देंगे, आर, तो डॉग्स आर एनिमल्स। अ हस्बैंड इज अ मैन, तो आप क्या लिखेंगे, हस्बैंड्स, तो आप अ नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि एक हस्बैंड की बात हो रही है तो अ लिखा, अब ज़्यादा की बात होगी तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हस्बैंड्स आर मैन। ओके, ऐसे ही अ पेंसिल इज लाइक अ पेन, तो क्या होगा, पेंसिल्स आर लाइक पेन्स, पेंसिल्स आर लाइक पेन्स। तो ऐसे ही आपको 1, 2, 7 ये भी आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। नहीं आते आंसर, आप आंसर की हेल्प लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं आता है पेंसिल से ही करना है आपको, पेंसिल से पहले कंप्लीट कर लीजिए, अगर रॉन्ग है तो आप सही कर लेना, और नहीं आता है तो फिर आप आंसर की हेल्प ले लेना। ठीक है, सिंगुलर्स का आपको क्या बनाना है, इसमें प्लूरल्स बनाना है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉपिक कंप्लीट हुआ है, चैप्टर नहीं हुआ है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।